नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं शिवानी। मधुबनी नरसंहार के मामले पे बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने सरकार पर हमला करते हुए मधुबनी के एसपी डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग कही है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने वहां के एसपी को निकम्मा करार दिया है। मिली भगत है, एसपी भी वहाँ एसपी भी है, उस तरह का एसपी भी समझे कि वहाँ ये टाइप का एसपी है, निकम्मा टाइप का एसपी है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। इतना में तो डीजी और होम सेक्रेटरी को कैंप करना चाहिए था वहाँ बैठ के। ये होता अगर ये किसी ये का होता, बैकवर्ड दलित का होता, तो अब आदमी पूरा होम सेक्रेटरी डीजी और आईजी सब सारे लोग ये करके कैंप करते हैं वहाँ। विधायक ज्ञानू ने कहा कि बीजेपी के विधायक का नाम इस मामले में आ रहा है या जांच का विषय है। बोल ही रहे हैं कि जिसका भी जो भी विधायक हो, जिसका भी संरक्षण हो, उसके पूरी तरह उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े लोग नहीं, बड़े संरक्षण जो देते हैं, कहीं भी दो देते होंगे, कोई पॉलिटिशियन है, विधायक हो, मंत्री हो, कोई हो, हम हो या कोई हो, अगर इस तरह क्रिमिनल को संरक्षण देने वाले पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अभी तक मुआवजा की घोषणा नहीं की गई है, यह चिंता का विषय है। लेकिन मधुबनी में एक खास राजपूत जाति की मौत पर सरकार अभी तक चुप्पी साध रखी है। ऐसे ही दिन भर की तमाम खबर के लिए देखते रहे आंखें न्यूज 24, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। धन्यवाद।